इट इज अ रेशियो ऑफ द नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास आर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट आफ्टर एंड बिफोर आयोनाइजेशन डिसोसिएशन आर एसोसिएशन। द वांट ऑफ फैक्टर फार्मुलाइज एज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन आर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर एसोसिएशन आर डिसोसिएशन। बाई टेकिंग द एग्जाम्पल वी कैन शो द कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर एन ए सी एल एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस वन मोल रिएक्टेंट एंड टू मोल्स आयन एंड देयर मॉलिक्यूलर मास विल बी 58.5 ऑफ द रिएक्टेंट बट आफ्टर आयोनाइजेशन इट्स सो एज लाइक 29.25 ग्राम। देन वांट ऑफ फैक्टर विल बी 58.5 अपॉन 29.25 इक्वल टू टू और आई इक्वल टू 2/1 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोल्स द वांट ऑफ फैक्टर विल बी टू। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल एम जी सी एल टू एम जी टू प्लस सी एल माइनस सी एल माइनस मोलर मास ऑफ एम जी सी एल टू इज 95 ग्राम एंड देयर एब नॉर्मल मोलर मास इज 31.66। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोलूट विल बी 1 आफ्टर आयोनाइजेशन विल बी 3 देन देयर वांट ऑफ फैक्टर विल बी 3 आई इक्वल टू 95 अपॉन 31.66 3 आएगा आई इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3। द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द एसोसिएशन बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच इट विल बी डायमराइज आफ्टर द डिजॉल्वेशन बाई हेल्पिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम डाइमर का 120 ग्राम टू मोल्स इसके बिफोर डायमराइजेशन आफ्टर डायमराइजेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल विल बी 1। द वांट ऑफ फैक्टर मे बी कैलकुलेट एट 60 अपॉन 120 1/2 अकॉर्डिंग टू द मास एंड आई इक्वल टू 1/2 अकॉर्डिंग टू द मोल्स वन बिफोर आफ्टर डायमराइजेशन टू बिफोर डायमराइजेशन दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। वांट ऑफ फैक्टर निकालने के बाद हम निकालते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 अपॉन एन माइनस वन वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन आर डिसोसिएशन। तो लेट फॉर आयोनाइजेशन ऑफ ए बी ए प्लस बी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन सी बट द आयोनाइजेशन विल बी 0 आफ्टर द सम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ ए बी विल बी सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा इज द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। फॉर कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा तो कैलकुलेशन के बाद जो फैक्टर मिलेगा वो हमें मिलेगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज मोर लेस देन 1 देन 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 ले सकते देन के विल बी सी अल्फा स्क्वायर वेयर के इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। सपोज दैट कि इन द सॉल्यूशन व्हेन परसेंटेज आयोनाइजेशन आर एसोसिएशन टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन देन वांट्स ऑफ फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला आई इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन मल्टीप्लाई एन आर आई इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन मल्टीप्लाई एन एंड एन मे बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला एन इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास आर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन
आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉलिड। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेकर के इन सारे फैक्टर को निकालते हैं। 20 ग्राम मैंने वो चीज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। इफ ओनली 60% आयोनाइजेशन ऑफ द एन ए ओ एच इज टेकिंग प्लेस देन फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के वी फॉर वाटर 0.52 kg केल्विन पर मोल। कैलकुलेशन करते हैं। गिवेन फैक्टर डब्ल्यू बी 20 ग्राम, एम बी 40 ग्राम, डब्ल्यू ए 200 ग्राम। कैलकुलेशन ऑफ आई, आई को निकालेंगे तो आयंस के फॉर्मेट में आई निकलेगा परसेंटेज आयोनाइजेशन के बेस पर। तो पहले एन निकाल लेते हैं। एन इज इक्वल टू 2/1 मल्टीपल 1 इक्वल टू 2। आई परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ एन 60% ऑफ एन 60/100 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1.2। यानी आई हमको मिल गया 1.2। आई की वैल्यू हम रखेंगे डेल्टा टी वी आई के वी एम में। फार्मूले को ब्रेकअप करने के बाद इसमें सारे फैक्टर को, सारी वैल्यू को रख देते हैं। रखने के बाद कैलकुलेट करते हैं तो हमें डेल्टा टी वी कितना मिलेगा, 1.56 केल्विन। यानी डेल्टा टी वी जो एलिवेशन हुआ 1.56 केल्विन का एलिवेशन मिलेगा। अब कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1/n-1, 1.2 - 1/2 - 1 इक्वल टू 0.2/1। अल्फा मिल गया 0.2। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। सी को निकाले जाएंगे पहले, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई 1000/V। अब वी को कैलकुलेट करने के लिए हम डेंसिटी को इज्यूम करते हैं 1, और डेंसिटी के बेस पर जब मास और डेंसिटी को रख करके वॉल्यूम निकालते हैं तो हमें मिलता है 220। और सी के कैलकुलेशन के लिए 20/40 1000/220 कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 2.3 अप्रॉक्सीमेटली मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन मिल जाता है। कंसंट्रेशन मिल जाने के बाद के की वैल्यू निकालते हैं। 2.3 मल्टीप्लाई 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 0.2। कैलकुलेशन से जब सॉल्व करते हैं तो के की वैल्यू हमको मिलती है 0.15। नेट इज द आंसर। ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। आपने देखा कि अगर वन टॉप फैक्टर ना हो तो एबनॉर्मेलिटी आ ही जाती है, वो चाहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हो या किसी अन्य पार्ट में। इसलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ वन टॉप फैक्टर द फार्मूला ऑफ द ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी रिटेन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई एक्स बी। आई वन टॉप फैक्टर लगा देंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी वी इज इक्वल टू आई के वी एम, यानी इसमें भी आई लगेगा। डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, दैट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वन टॉप फैक्टर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में अब आपको अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इन सारे फार्मूलों को यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।